साबिक पाकिस्तानी ओपनिंग बल्लेबाज मोहसिन हसन खान से शादी करने वाली भारतीय अदाकारा रीना रॉय ने शादी खत्म होने की जिम्मेदारी अपने सर ले ली है। भारतीय मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में अपने जमाने की मशहूर अदाकारा रीना रॉय का कहना था कि वो शादी के बाद खुद को एडजस्ट न कर सकी और मोहसिन खान के लाइफ स्टाइल के साथ एडजस्ट न हो पाना ही तलाक की वजह बना, वरना उनके साबका शोहर ने तो एक साथ रहने की खातिर उन्हें लंदन शिफ्ट होने की पेशकश भी की थी। रीना रॉय ने बताया कि मोहसिन खान का अपनी बेटी जन्नत को साथ रखने का मकसद भी ये था कि मैं कम अज कम बेटी की खातिर ही उसके साथ रह लूं। रीना रॉय ने तलाक के बाद बेटी की तहवील लेने के हवाले से बताया कि इस मकसद के लिए मैंने साधुओं और संतों का सहारा भी लिया। अदाकारा ने यह भी एतराफ किया कि मोहसिन खान अच्छे शोहर होने के अलावा एक अच्छे बाप भी हैं और वो अपनी बेटी जन्नत के साथ मुसलसल राब्ते में रहते हैं। उनका कहना है कि जोग्राफियाई फासलों के बावजूद बाप बेटी के दरमियान बहुत अच्छा ताल्लुक है। रीना रॉय का कहना था कि मोहसिन अब अपनी जिंदगी में सेट हैं। मैं उनकी सेहत और जिंदगी के लिए दुआगो हूं। ख्याल रहे कि 70 और 80 की दहाई में रीना रॉय का शुमार बॉलीवुड की कामयाब अदाकाराओं में होता था। 1983 में उन्होंने अपने करियर के अरूज में पाकिस्तानी ओपनिंग बल्लेबाज मोहसिन खान से शादी कर ली थी और फिल्मी दुनिया से किनारा कशी इख्तियार करके कराची शिफ्ट हो गई थी। इस दौरान दोनों की एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम जन्नत रखा गया था। ताहम भारत वापस जाने के बाद रीना रॉय ने बेटी का नाम सनम रख दिया। मोहसिन खान ने शादी बचाने के लिए रीना रॉय को ये पेशकश भी की कि दोनों पाकिस्तान छोड़कर लंदन में सेटल हो जाते हैं, लेकिन ऐसा ना हो पाया और 1990 में दोनों के दरमियान तलाक हो गई। दरअसल रीना रॉय दोबारा से भारतीय शोबिज इंडस्ट्री में काम करना चाहती थी, चुनाचे वो भारत वापिस चली गयी। तलाक के बाद उन्होंने दोबारा फिल्मों में काम शुरू किया, ताहम उन्हें पहली सी कामयाबी ना मिल सकी। याद रहे कि मोहसिन हसन खान ने रीना रॉय से शादी के बाद चंद भारतीय फिल्मों में भी काम किया था। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।